हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट आपको पता ही है कि आपके लाइफ का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपने खाना ढंग से खाना है, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं बैलेंस डाइट लेने के लिए, राइट। तो आखिरकार ये बैलेंस डाइट है क्या, ठीक है, ये डॉक्टर्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज और ये पूछताछ जनरली कोई नहीं है, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। What is balanced diet? Diet containing variety of foods in such quantities and proportion that the need of energy and nutrients is adequately met. So balanced diet is basically diet that contains variety of foods and nutrients that in such quantities and proportions that the need of the energy and nutrients is adequately met. So ऐसी diet जिसमें सारी variety के foods आ जाए, ठीक है, variety of foods आ जाए उस क्वांटिटीज या प्रपोर्शंस में, ताकि हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, राइट। मेंटेन हेल्दी एंड वाइटैलिटी वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये हेल्थ एंड वाइटैलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाता है और इंक्लूड्स अ स्मॉल प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू टाइड ओवर इमरजेंसी। इसलिए आरडीए के साथ थोड़ा हम लोग और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का हम लोग वो रिकमेंडेशन रखते हैं, ताकि वो इमरजेंसी केसेस में वो टाइट कर सके उस चीज़ को, ठीक है ना। अगर नहीं मिला उसको बाई चांस खाना उस टाइम पे, जैसे फीवर वीवर आ गया तो उसको थोड़ा और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसको टाइट कर सके, ठीक है ना। तो इसका स्मॉल प्रोविजन हम लोग रखते हैं, ठीक। कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट, कंपोजिशन क्या करेंगे, प्रोटीन को कितना कंस्टिट्यूट करना चाहिए, 10-15% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। फैट्स को कितना करना चाहिए, 15-30%। तो सबसे ज़्यादा पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो कि 50-70% का कंस्टिट्यूट करना चाहिए, फिर फैट्स का जो कि हम लोग कर सकते हैं अपना 15-30% का हम लोग करते हैं, और प्रोटीन्स का भाई 10-15%। तो 50-70, 15-30 और 10-15 कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस डाइट, प्रिपरेशन कैसे करते हैं बैलेंस डाइट का, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, इनकम स्पेसिफिक। मान ले कि इंडिविजुअल बहुत ही पुअरली माल नरिश्ड है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके लिए बैलेंस डाइट डिज़ाइन करते हैं। या कोई बंदा ओबीज है तो उसके हिसाब से उसकी हम लोग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या जो भी असेसमेंट है उसके लिए हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। रीजन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ रीजन में कुछ कुछ खाने अवेलेबल होते हैं, कुछ उनके यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह ऐसे कुछ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, या खाना उनके यहाँ अलग होता है। जैसे इंडिया में तुम्हें करी मिल जाएगी, करी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन यूएस में करी का कल्चर इट्स नॉट दैट प्रिवेलेंट, ठीक है ना। यहाँ हमारे यहाँ दाल बहुत ज़्यादा मिलती है, उनके यहाँ दाल उतनी इज़ नॉट ईटन ऑन अ वेरी डेली बेसिस, राइट। तो रीजन स्पेसिफिक के हिसाब से भी अपना बैलेंस डाइट होना चाहिए। इनकम स्पेसिफिक भी होना चाहिए। जैसे कोई बंदा बहुत ही लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है, वो उसको अगर तुम रिकमेंड कर दो कि आप कैश्यू खाइए आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। इफ़ यू रिकमेंड ड्राई नट्स टू हिम इट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स टू हिम इट्स नॉट वेरी, मतलब कि ये बोल रही तुम्हारी थिंकिंग मतलब उस तरीके की है, मतलब कि घबारों वाली थिंकिंग है, क्योंकि तुम एक गरीब आदमी को ड्राई फ्रूट्स खाने के कह रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है ना। तुम उसकी जगह कुछ ऐसा कुछ फ्रूट्स रिकमेंड करो, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वॉलनट्स तुम रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना, या कुछ और रिकमेंड करो उसको जो वो अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। तुम ऐसी चीज़ें रिकमेंड करते रहो जो अफोर्ड ही बंदा नहीं कर सकता, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। तुम्हें पेशेंट के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, पेशेंट को क्या करवाना चाहिए ताकि उसका कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्टिवनेस आए, ठीक है ना। इसको अपनी प्रैक्टिस का सार बनाना है तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अफकोर्स जिनके पेरेंट्स डॉक्टर, उनको पता होगा कि क्या करना चाहिए पेशेंट के लिए हमें, ठीक। पेशेंट भी तुम्हारे पास तभी आएगा जब उसको भरोसा होगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस जो है औरों से बेहतर नहीं है तो वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा। और अगर तुम नए डॉक्टर हो, अगर मार्केट में आ रहे हो नए डॉक्टर हो, तो तुम्हारी सर्विसेज तभी अच्छी होंगी, तुम्हारी सर्विसेज को तुमको लोग तभी दिखाने आएंगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो सकता है वो थोड़ी बेटर ना हो, उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें आता हो। जो अभी करेंट का प्रैक्टिशनर अगर उसको तुमको बीट करना है, अगर उसके उसके जो प्रैक्टिस को बीट करना है, तो तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा आना चाहिए। उससे 1-2 गुना ज़्यादा आने से तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तब भी लोग नहीं आएंगे, वो प्रेफर्ड ब्रांड को वो करेंगे, ठीक है। उसके अगर तुम्हें 10 गुना ज़्यादा आता होगा तभी लोग तुम्हें प्रेफर करेंगे, तुम्हारे पास तभी आएंगे, ठीक है ना। तो इट्स अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, राइट। आप खाने के लिए तो सभी जीते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें अच्छे से जीना है तो ऑब्वियसली थोड़ा करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा क्यों लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको, आपने करनी है, बैलेंस डाइट यही होती है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।